हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम काफ्तान बनाएंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है, इसकी लंबाई 45 इंच आ रही है और इसकी चौड़ाई 18 इंच आ रही है। ये 18 इंच है, ये 4 फोल्ड में फोल्ड है। और अब हम इसका नेक बनाएंगे। नेक की हम चौड़ाई लेंगे 3 इंच, लंबाई लेंगे 6 इंच। ये मार्किंग करेंगे, इसका बॉक्स बना लेंगे। पहले हम बैक की मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 3 इंच ले रही हूँ लंबाई, राउंड शेप दे देंगे। और फिर हम फ्रंट की करेंगे, इसमें वी शेप बना रही हूँ। वी शेप देके और फिर मैं थोड़ा सा राउंड कर दूँगी इसको, थोड़ा सा राउंड शेप दे दूँगी ऐसे। ओके, ऐसे। फिर हम शोल्डर मार्किंग करेंगे। 7.5 पे मैंने शोल्डर मार्किंग किया है। 7.5 पर इसका आर्म होल लेंगे और इसमें प्लस 1 इंच कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लूज रहता है, प्लस 1 इंच। और फिर चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे, इसमें भी मैं लूजिंग दूंगी, 1 या 1.5 इंच की लूजिंग होगी इसमें। ये मेरे केस में 11 इंच है। और फिर ऊपर से 15 इंच पे हम इसके वेस्ट और 21 इंच पे इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 9 इंच लिया है मैंने और यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं। यहाँ भी हम हिप्स की मेजरमेंट 10 पे किया है और फिर इसके 1/2 इंच एक्स्ट्रा। नीचे से 10 इंच और साइड में से 3 इंच छोड़ के हम पूरे एल शेप में मार्किंग कर लेंगे इसकी, ये देखिए। फिर हम बैक नेक कट कर लेंगे। बैक नेक कट कर लिया है और शोल्डर पे तीन निशान लगा लेंगे जिससे मार्क्स बना रहे। और ये फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे, ये देखिए फ्रंट नेक हो गया है। अब वापस से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें टैप टैप करके और दूसरी साइड भी हम निशान ले लेंगे, ये देखिए दूसरी साइड में निशान आ गया है। इसको भी हम सेम टू सेम मार्क कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टिचिंग आएगी। अब हम इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। ये मेरे पास पिन्स हैं तो इससे हम इसको सिक्योर कर लेंगे जिससे इधर उधर हिले नहीं सिलाई करते टाइम। ये देखिए इस टाइप से हम इसमें पूरे में पिन लगा लेंगे। ये लग गई है, ये मैंने दूसरी साइड में लगा ली है, देखो। हम स्टिचिंग कर लेंगे। पहले हम नेक फिनिश करेंगे, नेक पे पट्टी लगाएंगे। ये मैंने पट्टी कट कर ली है। पहले हम नेक सिल लेंगे। ये देखिए ये हमने नेक से लिया है, ये देखिए। फिर हम छोटे-छोटे कट लगा लेंगे। ये छोटे-छोटे कट लगा लिए, ये देखिए पूरे नेक पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ध्यान रखना लेकिन सिलाई ना कट जाए। अब यहाँ स्टिचिंग कर लेंगे पूरे। जहाँ हमने पिन लगाई थी, जहाँ जहाँ पे पिन लगाई थी वहाँ पूरे स्टिचिंग कर लेंगे। ये
ये देखिए इन दोनों तरफ स्टिचिंग कर लेंगे और पिंस को हटाते रहेंगे। ये पिंस हटाते ये देखिए ये स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे और नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हम इस टाइप से इसको फोल्ड कर लेते हैं, ये ऐसे दोनों साइड्स और नीचे से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये हमने साइड्स फोल्ड कर लिए, स्टिचिंग लगा ली है और ये देखो ये दोनों साइड्स फोल्ड हो चुकी है। ये देखिए अब हम इसमें लेस लगाएंगे। ये पॉम पॉम लेस है, वाइट कलर की लेस है, इसको हम लगाएंगे, इसमें अटैच करेंगे। ये देखिए ये देखिए कॉर्नर फिनिश करते हैं। जैसे कॉर्नर पे आएगी तो उसकी मशीन की स्विच को नीचे की साइड रखेंगे इस टाइप से और फिर ऐसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हम तीनों साइड लगा लेंगे, दोनों साइडों में और नीचे तीनों साइड पे। ये देखिए फाइनल लुक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।